स्वराज एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशा। सबसे पहले बड़ी खबर, जहां बीजापुर में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने माओवादी नेता आजाद की पत्नी और महिला माओवादी नेता सुजाता उर्फ नागाराम रूपा को गिरफ्तार किया है। रूपा नक्सली संगठन तेलंगाना स्टेट कमेटी की सदस्य है, जिसमें बीजापुर पुलिस ने उसे तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। महिला माओवादी नेता सुजाता छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा इलाकों में भी सक्रिय थी। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पवन दुर्गम फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, क्या और जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें, नक्सल संगठन में आतंक का पर्याय बने हुए आजाद जो है, उनकी पत्नी है सुजाता नागाराम उर्फ रूपा, इनका नाम है। इन पर छत्तीसगढ़ में तकरीबन 20 से ज्यादा जो नक्सल मामले हैं उसमें इनकी तलाश थी। 8 लाख रुपए के इनके ऊपर इनाम था। ये अभी तेलंगाना के वारंगल में ये कस्टडी में थी, जेल में थी, और छत्तीसगढ़ में एक मामले में, कई मामलों में वैसे वारंट थी, लेकिन उसमें से एक मामले में इनको प्रोटेक्शन वारंट पे तेलंगाना से यहाँ पर लगाया गया है, जिनको अभी न्यायालय में पेश किया गया है और उसके बाद इनको जेल भेजा जाएगा। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमांत इलाकों में इनकी तूती बोलती थी, बड़े बड़े वारदातों में भी ये शामिल रही है। तो पुलिस इसको एक बड़ी सफलता के तौर पर देख रही है और उनके ऊपर जितने लंबित मामले थे उसमें अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इन पर मामला चलेगा न्यायालय में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन।